Assalamu alaikum students, welcome to your channel Engineering and Technology. Subscribe your channel, likes and comments. आज का जो हमारा next lecture है वो है lecture number 14, जिसमें हम बकिया जो काम है अपने plan में वो complete कर लेते हैं। तो चलो मैं AutoCAD को open कर लेता हूँ। ये AutoCAD की file मेरे पास पड़ी हुई है, मतलब यहां तक काम हम इसमें कर चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वेंटिलेटर का काम इसमें रह गया था, और एक मैंने आपको बता दिया था कि टेक्स्ट कमांड इसमें तकरीबन हो गई है, ठीक है। तो ये हमें इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, CO कॉपी। ये विंडोज के लिए, यहाँ पर एक विंडोज हमारे पास ये रह गई थी, तो ये भी तकरीबन हो गई। अब नेक्स्ट इसमें हम ये वॉशरूम्स के लिए वेंटिलेटर भी मस्ट है, तो इसके लिए हम वेंटिलेटर यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऑफसेट 1 फिट, इस लाइन का मैंने ऑफसेट ले लिया है, इसका भी मैंने ऑफसेट ले लिया, ठीक है। ई एक्स डबल इंटर, इसको भी एक्सटेंड कर लो, इसको भी एक्सटेंड कर लो। टी आर डबल इंटर, ट्रिम कर लो, ट्रिम कर लो, जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ई एंटर, ई एंटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेट फिट का, मतलब 18 इंचेस का वेंटिलेटर आए, ठीक है। टी आर डबल इंटर, एक्स्ट्रा लाइंस जो है यहाँ से मैंने ये रिमूव कर ली, ठीक है। अब अगर वेंटिलेटर, मतलब इस सिंबल का आप लगाना चाहते हो AutoCAD में तो भी ठीक है, मतलब अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो जस्ट आप वेंटिलेटर के सेंटर लाइन में से ये एल एंटर, यहाँ में से इसके लिए एक लाइन आप लगा लो, ठीक है। तो ये आपके पास वेंटिलेटर का सिंबल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास वेंटिलेटर शो हो गए, ठीक है। ड्राइंग में इसी तरह के हम वेंटिलेटर शो कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो एरिया है हमारे पास, यहाँ पर अगर आप मतलब एक्सटर्नल इस साइड पे इसका वेंटिलेटर क्रिएट करना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं आप मतलब यहाँ पर क्रिएट नहीं कर लेना चाहते हो तो फिर आपके आपको यहाँ पर इसके लिए ओपन स्पेस देनी होगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्रिएट कर लेना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट कर लो। लेकिन बास टाइम लोग कहते हैं मतलब इसका मतलब स्मेल इनसाइड आएगा, तो फिर आप ऐसा करोगे कि यहाँ पर इसके लिए मतलब ओपन स्पेस रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओपन स्पेस कैसे रखोगे, तो मैं ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ से ये रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये भी मैंने रिमूव कर लिया, ex डबल इंटर कमांड मैंने अप्लाई कर लिया, ये भी मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके लिए तकरीबन 2.5 फिट इसके लिए मैं ओपन एरिया देना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफसेट 2.5 फिट, ठीक है, ऑफसेट। तो ये तकरीबन ये वॉशरूम का साइज कितना रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा 1.5 एम इंटर, इसको मैंने थोड़ा सा मूव कर लिया, ऑफसेट 4.5 इंचेस, ठीक है, ठीक। तो ये अब जो ये जगह है तो ये हमारे पास ओपन रह गई, और ये हमारे पास जो मतलब एक्सटर्नल वे थी, मतलब दूसरे हॉल्स की भी यूज हो रहे थे, अब ये वॉशरूम सिर्फ जस्ट इस गेस्ट रूम के लिए यूज होगा। एल इंटर, मैं यहाँ पर ये सिंबल शो कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एल इंटर, ये भी मैं यहाँ शो कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप इस हॉल से भी इस ओपन एरिया के लिए मतलब विंडोज लगा सकते हैं, किचन का वेंटिलेटर भी आ सकता है, और यहाँ से वॉशरूम का वेंटिलेटर भी आ सकता है एसी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ओपन एरिया के लिए मतलब वेंटिलेटर लगा लेना चाहता हूँ, यहाँ से तकरीबन ऑफसेट 18 इंच। तो ये हमारे पास किचन का ये वेंटिलेटर, ठीक है, इस कॉर्नर में, और मैं वॉशरूम के लिए भी लगाना चाहता हूँ, ऑफसेट 12 इंच, थोड़ा सा यू आर गए साइड पे हो, ई एक्स डबल इंटर,
ये टी आर डबल इंटर, इसको आप रिमूव कर लें, टी आर डबल इंटर इसको भी आप रिमूव कर लें। ऑफसेट 18 इंचेस, इसको आप ऑफसेट लें, एल इंटर। तो ये हमारे पास इस रूम के लिए भी वेंटिलेटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये ओपन जो है इसको कॉपी, सी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पेस्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कमांड है, अगर आप इसकी साइज को और भी छोटा कर लेना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ से इसका साइज मैं 4 इंचेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 इंच हो गया, ठीक है। इसको आप जब यहाँ से इसकी साइज अगर आप कम या ज़्यादा कर लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मूव कर ले, यहाँ पर इसको लगा, ठीक है। अब वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर को हम वी से शो कर देते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर ले, टेक्स टी इंटर, सेलेक्ट एरिया एंड टाइम न्यू रोमन्स। टाइम न्यू रोमन्स के बाद आप इसकी साइज को देख लें, साइज देखने के बाद आप इसमें V1 मतलब वेंटिलेटर 1, वेंटिलेटर तकरीबन 4 हमारे पास सेम साइज के हैं, तकरीबन ये सारे मैं V1 से शो कर लेता हूँ ड्राइंग में, वेंटिलेटर 1, ठीक है। ये भी हो गया वेंटिलेटर 1 और ये भी हो गया वेंटिलेटर 1, ठीक है। ये तकरीबन हमारे पास ड्राइंग में जो टेक्स्ट कमांड था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें ये स्टेयर का अप एंड डाउन शो कर लेते हैं, तो वो इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना चाहता हूँ ब्लू, एल एंटर। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, मतलब इस साइड से ये स्टेयर अप होंगे और इस साइड पर ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। तकरीबन ये कुछ ऐसे सिंबल आपको ड्राइंग में शो करने होते हैं। सी एंटर, सर्कल मैंने एक छोटा सा बना लिया, टी आर डबल एंटर इसको मैंने रिमूव कर लिया, ठीक। तो यहाँ से ये स्टेयर पर अप होगी, इस तरीके से ये इनसाइड जाएंगे। अब एक और काम, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से गेस्ट रूम से मतलब इनसाइड हॉल में एक रास्ता हो हमारे घर के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर एक डोर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ऑफसेट 6 इंचेस, इसका ऑफसेट ले आप, ex डबल इंटर, ठीक है। ऑफसेट 12, ऑफसेट ले 3 फीट, ठीक है। ये हो गए ऑफसेट 2 इंचेस, वॉल थिकनेस, ठीक है। सी इंटर, हमारे पास ब्लू आ गया क्योंकि वहां से ब्लू मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तो ये देख लो दोबारा ये वाइट हो गया। टी आर डबल इंटर के बाद ट्रिम, जो लाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं है उस लाइन को हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये तकरीबन सेम साइज के डोर है, सीओ को भी कर ले इसको यहाँ पे T3 का नाम दे, ठीक है। तो ये तकरीबन जो टेक्सिंग कमांड थी, या मतलब जो हमारे पास विंडोज डोर्स वगैरह शिक की थी, वो तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें कमांड्स है वो है डायमेंशन कमांड, ठीक है। कि मतलब ये जो हमने स्टार्ट में यूनिट सेलेक्ट कर लिया था, वो मतलब अब रियली कैसे हमें पता चलेगा कि ये लाइन जो हमारे पास 30 फीट थी वो 30 फीट ही है, ठीक है। तो इसी के लिए हम नेक्स्ट जो कमांड अप्लाई करते हैं, डायमेंशन कमांड, ठीक है। स्टार्ट में ये कमांड्स आपको बताए हुए, डी इंटर के प्रेस करने के बाद ये आपके पास इस टाइप का एक लोगो आ जाए। मैं यहाँ पर न्यू डायमेंशन क्रिएट कर लें, न्यू पर आप प्रेस कर लें, इसी कॉपी आप कर लें, कंटिन्यू कर लें,
कंटिन्यू के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइमरी यूनिट पे आ जाएं। प्राइमरी यूनिट पे यहाँ पर आपने क्या सेलेक्ट करना है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बाद यहाँ पर आपने क्या सेलेक्ट कर लेना है, 1/8। थोड़ा सा हैंग हो गया, ये 1/8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट में आ जाए। यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट की आपने खास ख्याल रखनी है, मतलब टेक्स्ट की हाइट आपको कितनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे पास टेक्स्ट की हाइट तकरीबन 9 इंच हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट होगी वो 9 इंच की। अब एरोज है, एरोज की मतलब आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लेना चाहते हो तो वो हो सकता है, मैं इसको 2 इंच देता हूँ। लाइन्स है, जिस कलर में आपको मतलब लाइन्स वगैरह रिक्वायर्ड हो उसी में आप लाइन, मैं कहता हूँ ग्रीन में मुझे लाइन रिक्वायर्ड है। टेक्स्ट आपको किस में रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट फॉर एग्जांपल इस कलर में मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट ओके प्रेस कर लेता हूँ। बाकी ये चीज़ों की तकरीबन जरूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एंड प्राइमरी यूनिट है इसमें, ठीक, कि आपका मतलब एग्जैक्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये लाइंस है, जिस कलर में आपको लाइन चाहिए हो वो आपकी मतलब मर्जी के ऊपर डिपेंड कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से सेट करंट, मैंने जो करंट सेट किया है उसको मैं सेट करके क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही जिस तरह के हमने इसको दिए डायमेंशन, अब ये वही शो करेगा, ये डायमेंशन है, ठीक है। अब ये आप अगर ये जो है ये यहाँ पर ये डायमेंशन बार्स है, यहाँ से भी आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेनियर डायमेंशन, एंगुलर, आर्क डायमेंशन, सर्कुलर डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पर भी। और इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से डायमेंशन कमांड अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। पहले एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद दूसरे कॉर्नर को, ठीक है। तो ये आपके पास ये देख रहे हो, ये आपके पास 5 फिट आ गया, ठीक है। अब जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो तक क्या है, 5 फिट है। इसको दोबारा आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट, दोबारा मैंने ऑप्शन कर लिया, तो ये हमारे पास कितना है, 8 फिट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 फिट आ डायमेंशन की। अब दोबारा आप स्टाइल्स वगैरह मतलब चेंज कर लेना चाहते हो, इसी को आप मॉडिफाई कर लेना चाहते हो, मतलब ये जो है हमारे पास टेक्स्ट जो है या मतलब यहाँ से जो ये एरोज वगैरह जो भी चीज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इसका भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। प्राइमरी यहाँ से आप जो चीज लेना चाहते हो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, जिस चीज में आपको मतलब टेक्स्ट रिक्वायर्ड है आप उसी में कर सकते हो, ठीक है। ओके, करंट सेट, देन क्लोज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं साइज का डायमेंशन जो मैंने एक्सटर्नल लाइन ड्रॉ की थी, पहले इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इसको सेलेक्ट कर। तो ये देख रहे हो, ये वही एग्जैक्ट 2080 शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मतलब ये ओपन एरिया पे हम डायमेंशन शो नहीं की, तो इसको भी यहाँ से आप शो कर सकते हो, इस लाइन को सेलेक्ट कर लें और इस लाइन को सेलेक्ट कर लें, तो ये आपको ये दे रहा है कि ये जो जगह है ये 9 फिट है, ठीक है। दोबारा इसको डायमेंशन कर ले। अगर आप कहते हैं ये जो DI कमांड हमने अप्लाई किया था, चलो ट्राई करते हैं कि सही था या गलत था, इसको सेलेक्ट कर ले, लाइन को सेलेक्ट कर ले, तो ये देख रहे हो ये आपके पास एग्जैक्ट 12.6 ही शो हो रहा है, ठीक है। अगर स्टार्ट में आपने यूनिट में ये मिस्टेक की हो तो फिर आपको एग्जैक्ट ये डायमेंशन शो नहीं होंगे, ठीक है, सही। तो ये अब मैंने अब इसका हाउस सेट लिया था, तकरीबन कितना लिया था, 18 इंचेस, तो ये देख रहे हो आप वही 18 इंचेस ही शो कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं इस साइड का मतलब इसकी जो लेंथ है वो हमने ली थी, इसका भी हम यहाँ से यहाँ तक
ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये वही 50 ही शो कर रहा है हमारे पास जो हमने लिया था, ठीक है, 50 फिट 28 फिट, ठीक है। तो इसी तरह इसमें आप कंप्लीट डायमेंशनिंग कर सकते हो, अगर इसकी वॉल की आपको डायमेंशन रिक्वायर्ड है, मतलब ये भी आप कर सकते हो, जिस जगह की भी आपको मतलब डायमेंशन ड्राइंग में रिक्वायर्ड हो, उसी हर जगह की आप इसमें डायमेंशन ये इस तरह आप ले सकते हो। जस्ट डायमेंशन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, डायमेंशन सेलेक्ट कर लो, उसके बाद एक लाइन को सेलेक्ट कर लो, क्लिक, फिर दूसरी लाइन पर क्लिक करो, फिर नेक्स्ट क्लिक, तो ये आपको ये डायमेंशन शो करके दे, ठीक है। तो इसी तरह ये डायमेंशन कमांड्स अप्लाई होते हैं। तकरीबन हमारा जो एक प्लान था वो इसी लेक्चर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो वो पूछ सकता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर 2D का तकरीबन कमांड हो गए, अगर फिर भी कोई और कमांड मतलब किसी को रिक्वायर्ड हो तो उसके बारे में वो पूछ सकता है। नेक्स्ट फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह 3D कमांड्स के ऊपर, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।